हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान, आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल सेहत रात में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं शुरू में आपको प्रेगनेंसी के बारे में 10 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जो आपको कोई भी नहीं बताता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी के बटन को जरूर क्लिक कर दे ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सेहत रात यूट्यूब चैनल को और बगल में घंटी के बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि गर्भवती महिला का सर का बाल पहले के बनिस्बत काफी ज्यादा घना, मजबूत, लंबा और चमकदार हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उनके सर के बाल पहले के बनिस्बत घने, मजबूत, लंबे और मोटे हो जाते हैं और यहाँ तक कि उनके बालों में चमक भी आ जाती है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भवती महिला के शरीर में एंड्रोजन नाम का हार्मोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से उनके सर के बालों का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिनसे उनके बालों का ग्रोथ भी बढ़ जाता है और उनके बाल चमकदार भी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ बाल ही नहीं, उनके नाखून का टेक्स्चर और नाखून का ग्रोथ भी बदल जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की सुनने की क्षमता और याद रखने की क्षमता भी कम जाती है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भवती महिला के शरीर में हार्मोनल चेंजेस काफी तेजी से हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनमें सुनने की क्षमता और याद रखने की क्षमता कम जाती है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है लगभग 50% गर्भवती महिलाओं को बावासीर होने की शिकायत हो जाती है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का गर्भाशय धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और इसी गर्भाशय के बढ़ने की वजह से मलाशय के नसों पर जोर पड़ता है, जिससे महिलाओं को बावासीर हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा महिलाओं को नक्सीर होने की शिकायत भी हो जाती है, यानी कि उनके नाक से खून आने की शिकायत भी हो जाती है। फ्रेंड्स, ये भी प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से ही होता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ महिलाओं के मसूड़ों से खून आने की शिकायत भी हो जाती है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से ब्लड मसूड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और मसूड़ों से खून आने की शिकायत भी हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा सबसे बड़ा चेंजेस एक ये भी होता है कि गर्भवती महिलाओं को भावनात्मक परिवर्तन से गुजरना पड़ता है, यानी कि इमोशनल चेंजेस से गुजरना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि महिलाओं को गुस्सा, चिड़चिड़ापन और उनकी आदतों में बदलाव आ जाती है और ये आदतें बहुत ही अजीबोगरीब होती है। फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ा चेंजेस ये भी होता है कि प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में गर्भवती महिलाओं के शोनी में दर्द भी होता है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो महिलाओं के हड्डियों के जोड़ों को और मसल्स को और टिश्यू को लचीलापन बनाने में मदद करता है, जिससे महिला का शरीर प्रसव के लिए तैयार हो पाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के शरीर में सबसे बड़ा चेंजेस ये भी होता है कि अगर गर्भवती महिलाओं को पहले से एक्ने यानी कि मुहासे या कोई ऐसा दाग था तो प्रेगनेंसी के दौरान वो दाग, वो मुहासे पहले के बनिस्बत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा महिलाओं के पैरों के साइज भी बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें दूसरा चप्पल भी, दूसरा स्लीपर भी, दूसरे जूते भी पहनने की जरूरत पड़ती है और गर्भवती महिलाओं को कब्ज होने की शिकायत भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी जो आपको अभी तक नहीं पता था, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल गया। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये मुझे पता चले मेरी बनाई वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रही है। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो हर रोज बनाता रहूं। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जरूर शेयर करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।